और वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रिंग रोड का जायजा लिया और अजमेर रोड से शुरू हुआ धारीवाल का निरीक्षण, रिंग रोड परियोजना का निरीक्षण किया गया। जेडीसी टी रविकांत सहित जेडीए और साथ ही एनएचएआई के कई अधिकारी गण इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अजमेर रोड से शुरू हुआ धारीवाल का निरीक्षण और इस दौरान उनके साथ कई पदाधिकारी और कई अधिकारी गण मौजूद रहे। रिंग रोड परियोजना का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण किया। एनएचएआई के अधिकारी गण भी इस दौरान उनके साथ मौजूद दिखे। जयपुर में रिंग रोड का जायजा लेने शांति धारीवाल पहुंचे। अजमेर रोड से शुरू हुआ धारीवाल का निरीक्षण, रिंग रोड परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। जेडीसी टी रविकांत सहित कई अधिकारी गण इस दौरान उनके साथ मौजूद दिखे। एनएचएआई के अधिकारी गण भी मंत्री के साथ मौजूद रहे। रिंग रोड का जायजा लेने शांति धारीवाल पहुंचे। अजमेर रोड से ये धारीवाल का निरीक्षण शुरू हुआ जो कि रिंग रोड परियोजना का निरीक्षण करने पर समाप्त हुआ। जेडीसी टी रविकांत सहित कई अधिकारी गण मंत्री के साथ इस दौरान मौजूद दिखे और साथ ही एनएचएआई के अधिकारी गण भी मंत्री के साथ इस दौरान मौजूद दिखे। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना मौजूद है। दिनेश, आचार संहिता हटते ही कांग्रेस सरकार एक्शन के मूड में नजर आ रही है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी एक के बाद एक लगातार प्रदेश की परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। रिंग रोड पर इस पूरी परियोजना का जायजा लेने पहुंचे शांति धारीवाल, इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद दिखा और क्या कुछ जायजा लेने पर उनको नजर आया? देखिए ज्योति, जैसे ही आचार संहिता हटी है, प्रदेश सरकार पूरे एक्शन में और यूडीएच मंत्री धारीवाल जो जेडीए के प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और निरीक्षण भी इसी सप्ताह में लगभग सभी प्रोजेक्टों का उन्होंने किया है। आज शांति धारीवाल रिंग रोड परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। अजमेर रोड से धारीवाल ने अपना निरीक्षण शुरू किया है। इससे पहले जेडीए की ओर से एक दिन पूर्व ही जो एनएचएआई को दिक्कत आ रही थी, कैलिवर लीफ के जो लैंड नहीं मिल पा रही थी, उसको जेडीए ने निर्माण ध्वस्त कर जो काश्तकार थे उनसे मुक्त करवाकर एनएचएआई को सौंपी है। और आज एनएचएआई के अधिकारियों ने भी मंत्री के दौरे पर उनका आभार व्यक्त किया है कि जो समस्या उनके सामने दो साल से आ रही थी लैंड की, जिनकी वजह से वो निर्माण अभी तक नहीं हो पाए थे, तो इसको लेकर उन्होंने आज मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। और साथ ही टोंक रोड पर जहां रेलवे की कुछ लैंड है और उसको लेकर एनएचएआई के अधिकारी हैं, उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया। साथ ही अगले कुछ दिनों में, एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे, तो इसके लिए यूडीएच मंत्री लगातार सभी प्रोजेक्ट की जानकारी ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही कल एक अहम बैठक लेकर सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा भी यूडीएच मंत्री धारीवाल करेंगे। जी ज्योति जी, दिनेश, जिस तरह से आपने बताया कि एक दिन बाद इस सभी बैठकों की समीक्षा के लिए कांग्रेस प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत बैठक भी लेंगे, लेकिन दिनेश, जिस तरह से पूर्व सरकार कई योजनाएं छोड़ के चली गई, क्या वो भी यहां पूरी करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी, क्या उनको लेकर गंभीर है? देखिए ज्योति, दो पूर्व यूडीएच मंत्री जो पिछली सरकार की अहम योजना थी द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट, उसका निरीक्षण धारीवाल ने किया है और जो कार्य में देरी हुई है उस पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। टाटा प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं उनको लेकर उनको साफ कहा है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण किया जाए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। और लगातार 11 जून को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट पिछली सरकार के हो या पिछली गहलोत सरकार के हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो या द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट हो या रिंग रोड प्रोजेक्ट हो, तमाम ऐसी प्रोजेक्टों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक लेंगे। उसके लिए लगातार जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है उन्होंने निरीक्षण भी किया है। इसी सप्ताह में करीब करीब सभी प्रोजेक्ट्स का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देशित भी किया और कल उसके लिए एक अहम बैठक भी धारीवाल ने रखी गई।
जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आचार संहिता हटने के बाद अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक्शन मूड में है और इसी के तहत लगातार एक के बाद एक सभी परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनको जल्द से जल्द पूर्ण करने का कार्य जारी है। और इसी की एक बैठक होगी 11 जून को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, जो पूर्व सरकार ने जितने भी परियोजनाएं जो योजनाएं निलंबित छोड़ी है उनको लेकर मौजूदा कांग्रेस सरकार काफी गंभीर है और उनको जल्द से जल्द पूरा कर जनता को लाभ देने के लिए अब प्रदेश की सरकार कोशिश कर रही है।